हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम सॉल्यूशन। एंड आज का हमारा जो नॉवल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। विल डिस्कस मोबी डिक एंड विल डिस्कस समरी, कैरेक्टर, थीम्स, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नॉवल। एंड और एक चीज़ जो मैंने ऐड करी वो है क्वीज़ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वीज़ सेशन जो नॉवल में मैं बताऊँगी आपको वो हम डिस्कस करेंगे। उसको आप एज अ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट मार्क इट डाउन द आंसर एंड यू कैन कॉमेंट मी द आंसर। सो यहाँ पे मैं बताऊँ, ये जो नॉवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है। नॉवल ये हरमन मेलविले के द्वारा लिखी गई है और ये पूरा एनालिसिस हमारा जो है हिंदी में होने वाला है। सो दोस्तों, वेलकम टू माई एग्जाम सॉल्यूशन एंड स्टार्ट द नॉवल। लेट्स डिस्कस अबाउट द मोबी डिक। सो मोबी डिक जो है एक वेल की कहानी, यानी कि मोबी डिक एक तरह की वेल है, ये जो हम कह सकते हैं, तो इसकी कहानी है। मोबी डिक वेल को एक ऐसा दर्जा दिया गया है, किंग ऑफ द ओशन। सो द वेल ये जो है 1851 की नॉवल है, एक अमेरिकन राइटर हैं हरमन मेलविले। सो हरमन मेलविले के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस मोबी डिक ये नॉवल है। ऑलमोस्ट हर बार जब भी हम लिटरेचर में कुछ मास्टर्स वगैरह करते हैं तो मोबी डिक हमेशा हमें कवर करना होता है। सो ये जो है द मोबी डिक जो है ये इश्माइल की कहानी है। एक इश्माइल है जो कि एक बुक सेलर हैं। सो उसके बाद वो कैसे समुद्र की यात्रा करते हैं, उनकी जो ये आहेब है उनसे मुलाकात होती है, कैप्टन है जो कि वेल को पकड़ना होता है उसको, तो कैसे अपना रिवेंज मोबी डिक से लेता है वो, जो कैप्टन है हमारा आहेब, वो अपना रिवेंज लेता है मोबी डिक से, तो वो कैसे अपना रिवेंज कवर करने की कोशिश करता है, क्या होता है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये क्या है लिटरेचर में, अमेरिकन रेनेसों का टाइम है। ओके, अमेरिकन रेनेसों का मतलब जब अमेरिका में भी कई सारी नई नई चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। और इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ द लेट रोमांटिक टू अर्ली सिम्बॉलिस्ट से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब मोबी डिक जो है इट वॉज पब्लिश टू मिक्स रिव्यूज़, वॉज कमर्शियल फेलियर। अच्छा, इसको एक चीज़ बताऊँ, ये कमर्शियल फेलियर है, बहुत बड़ा कमर्शियल फेलियर है ये। इट वॉज आउट टू प्रिंट, मतलब उस टाइम पे अगर हम देख सकते हैं कि भाई जो ये ऑथर, उसकी डेथ हो गई थी 1851 में जो ये नॉवल हमारी लिखी गई थी इस राइटर के द्वारा। तो ये मोबी डिक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट अवर नॉवल समरी। सो दोस्तों, ये जो समरी है ये मोबी डिक वेल है उसके बारे में, यहाँ तक तो हम समझ गए कि ये वेल है, ये बहुत बड़ी वेल है, वाइट कलर की है, बहुत बड़ी है, यानी कि ये कहो कि ये वेल बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है और आज तक इस वेल को कोई पकड़ नहीं पाया, यानी कि कोई भी इसको नहीं पकड़ पाया और जो भी पकड़ने गया है वो इसमें नाकामयाब रहा है, यानी कि या तो उसकी डेथ हो गई है या तो उसको कोई बीमारी हो गई है। तो आज तक सबसे बड़ी बात है इस मोबी डिक की जो ये वेल है ये नहीं कोई पकड़ पाया। अब यहाँ पे ये जो नॉवल की स्टार्टिंग होती है स्टोरी की वो होती है कॉल मी इश्माइल। इश्माइल एक व्यक्ति है, एक स्टार्टिंग का हमारा कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये नॉवल की स्टार्टिंग करते हैं और यही आगे नरेट करते हैं स्टोरी। सो इश्माइल जो थे एक स्कूल टीचर होते हैं जो कि सेलर में बंद हो जाते हैं। सेलर मतलब इनको मछलियाँ पकड़ना, स्पेशली वेल पकड़ना है इनका सपना कि मुझे एक वेल पकड़नी है। तो ये अपना क्या है सपने की ओर चल पड़े हैं और ये जो है एक वेल हंट करना चाहते हैं बहुत बड़ी सी, जिससे इनका नाम हो जाए, क्योंकि आपको मैं बताऊं उस टाइम पे ये एक इतना प्रोफेशनली इतना डेवलप था कि वेल हंटिंग बहुत ज़्यादा, जो भी है अगर जो वेल हंटिंग करता था वो बहुत ही अच्छा माना जाता था। अब यहाँ पे उसकी एक मुलाकात होती है जब वो वेल हंटिंग के लिए निकलता है, तो क्विक एक से मुलाकात होती है। अब यहाँ पर मैं क्विक एक के बारे में बताऊँ तो ये जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दिखता अजीब सा है, यानी कि बहुत अजीब सा व्यक्ति है, तो और उसने टैटूज अपनी बॉडी पे सब जगह बना रखे हैं और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वेल हंटर है। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके इश्माइल के लिए, बिकॉज उनसे वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी न्यू है लेकिन क्विक एक तो बहुत पुराने हैं और बहुत एक्सपीरियंस वेल हंटर हैं। लेकिन क्योंकि उनकी शक्ल देख के और उनका फर्स्ट टाइम का हुलिया देख के वो पसंद नहीं आ रहे थे इश्माइल को, लेकिन फिर भी उनको एक बैड शेयर करना पड़ा उनके साथ और धीरे धीरे करके जब उन्होंने जाना एक दूसरे को, सो दे बिकम्स अ गुड फ्रेंड। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में बताऊँ आपको
जो हमारे इस्माइल जी हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्विक एक से, बट एट अ टाइम वो फ्रेंड्स बन गए और आगे चल के अपना जो ये मिशन है वो साथ में स्टार्ट करने की सोची उन्होंने। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट टू आयरलैंड, एक आयरलैंड में जाते हैं जिसका नाम है नैनटकेट। नैनटकेट आयरलैंड है जहाँ ये जाते हैं। वहाँ पे उनको पैक्वेड एक शिप है, ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे पूरी नॉवल में हमारी। पैक्वेड शिप है जो कि हमें मतलब दो कैरेक्टर्स के द्वारा मिलवाया गया है, वो है पैलेग एंड बाइलेजेट। तो ये क्या है, वेल हंटर हैं। तो ये जो है जब भी कोई वेल हंट होती है तो ये पैक्वेड शिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही शिप है जो जाता है ज़्यादा अच्छे लेवल पे। अब इसका जो ओनर है पैक्वेड का वो है अहेब। अहेब है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज पर्सन है, यानी कि उनको किसी ने देखा नहीं है ज़्यादातर अभी तक। तो क्यों नहीं, अब इनके बारे में क्या है बातें चलती हैं कि भाई ये बहुत स्ट्रेंज है, बहुत गुस्सा आता है, तुम इनके सामने मत जाना नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं तो अहब जो है उनकी एक टांग नहीं है, तो अहब हैज़ ओनली वन लेग जिसके लिए वो जिससे वो अपना कर रहे हैं जो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बट इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो मोबी, अब यहाँ पे अहब की एक टांग गई कैसे, यहाँ पे इनकी खुद की एक स्टोरी है कि इनकी टांग कैसे गई। तो यहाँ पे मोबी डिक को ये पकड़ने निकले थे काफ़ी टाइम पहले। तो मोबी डिक जो है आपको मैंने बताया बहुत स्ट्रांग फिश है, तो उन्होंने ही उस फिश ने ही इनकी एक टांग खा गई थी वो फिश। तो जब से अहब जो है चाहते हैं कि मोबी डिक को पकड़े, उनका एक रिवेंज लेने का सपना है। इस्माइल एंड क्विकिक जो है अब वो वेल हंटी के लिए ट्रैवल करना शुरू करते हैं पैक्विड में। नाउ शिप इस्माइल मीट टू गुड वेल हंटर्स। अब इन शिप्स जब हम देख रहे हैं शिप है तो वहाँ पे उसे कई सारे जो वेल हंटर हैं, इन शिप इस्माइल मीट्स विद गुड वेल हंटर्स। तो यहाँ पे जब वो देखता है, जब वो आता है इन लोगों के बीच में, तो बहुत सारे वेल हंटर्स उसे नज़र आते हैं और वो देखता है और उनसे मीट करता है और उनसे कुछ सीखता है क्या क्या स्ट्रेटजी है, किस किस स्ट्रेटजी से हमें वेल को हंट करना चाहिए और कैसे वेल एक हंट की जाती है अच्छे लेवल पे, वो सब सीख जाता है इस्माइल। तो यहाँ पे नाउ एट द रूफ ऑफ द टॉप, अगर हम देखें छत पे अहेब अहेब को, तो अहेब जो है पहली बार नज़र आता है सबको और अपने बारे में बताने की बजाय वो जब सबको बोलता है कि हमें जो है मोबी डिक को पकड़ना है, सभी हमारा एक मकसद है वो है मोबी डिक। मोबी डिक जो है मछली हमें पकड़नी है जो कि वेल बहुत स्ट्रांग है और ये मेरा बहुत पहले का रिवेंज है जो कि हमें आज कंप्लीट करना है। तो हमारा मिशन जो है मोबी डिक है, तो मोबी डिक को मारना ही मिशन हमारा है। तो यहाँ पे अहेब जो है उसने कसम खा ली थी कि वो वापस जाएगा तो मोबी डिक को मारने के बाद ही जाएगा। अब यहाँ पे देर इज़ सो मैनी मेम्बर्स ऑल्सो देयर, और ज़्यादा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेता इसको पर्टिकुलर मिशन को। कहते हैं कि अहेब को तो सिर्फ अपनी एक पैसों के लिए ही शिप को मार रहा है, बाकी तो कोई रीज़न नहीं है मारने का ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत सारे बोट्स और शिप से मिलते हैं, जब तक कि मैं बताऊँ तो आपकी ये जो यात्रा है ना इन लोगों की, ये पूरे ग्लोबल लेवल पर है। ये अब ये जो इनकी यात्रा हो रही है वो ग्लोबल लेवल, वहाँ पर ये ना अलग अलग शिप से अलग अलग जैसे बोट्स आ रही हैं और जो भी चीज़ें यहाँ से ये समुद्रों की यात्रा से निकल रही हैं उनसे मीट हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं और वो देख रहे हैं कि रास्ता वगैरह कैसा है आगे। तो एक दो शिप्स की तो मुलाकात हुई है मोबी डिक से, तो वो कह रहे हैं कि हम मरते मरते बचे हैं, यानी कि मोबी डिक के बीच में तो आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह का डर भी पैदा कर रखा है उन लोगों ने, मगर एट एनी हाउ इन सबसे बात बात करके ये लोग एट द एंड हमारे जो है इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में पहुँच चुके हैं, यानी कि इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में ये लोग पहुँच चुके हैं। एंड वहाँ पे इन लोगों को कई सारी वेल्स मिलती हैं, यानी कि यहाँ पे जो इस्माइल है उसका तो बिल्कुल है कि भाई वो सीख जाता है, देख लेता है कि कैसे वेल पकड़ी जा रही है और ज़्यादातर वेल जो है पकड़ी जा चुकी है अहेब के ये जो हमारा एक शिप है इसके द्वारा। मगर फिर भी अहेब जो है उनके पास एक सनक है, वो है कि वो मोबी डिक को पकड़ना चाहते हैं। सारी वेल्स किसी काम की नहीं है उनके लिए, सिर्फ जो है कौन है मोबी डिक, तो मोबी डिक के लिए ही आगे रास्ता तय किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, पहले से प्रेपरेशन करके आ रखे हैं हमारे अहेब
तो उन्होंने एक कारपेंटर से कहा, भाई मेरी जो टांग है अभी तक जो इन्होंने ट्रैवल किया है समुंदर तूफान वगैरह से जूझे हैं, तो उसमें इनके जो मैं बताऊँ आपको क्विक एग एंड एहब, इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। एहब की जो टांग है जो नकली है वो थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है, तो कारपेंटर से बोलता है कि भाई मेरे लिए बनाओ। और यहाँ पे क्विक एग के बारे में बताऊँ तो इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब ये भी क्या है मर जाएगा, तो इसीलिए कारपेंटर से बोल के इसके लिए एक कब्र बनाई जाती है। ओके, लेकिन एट एनी हाउ जो क्विक एग है वो बच जाता है। ओके, तो वो जो कारपेंटर ने कवर बनाया उसका यूज़ नहीं हो पाता है, लेकिन एट द एंड में हम देख मतलब देख सकते हैं कि शायद कुछ उसका यूज़ हो सके। यहाँ पे तो बहुत इजी सी सारी पूरी स्टोरी है। यहाँ पे एहब ने 5 मेंबर्स की टीम भी बनाई जिसमें जो है मोबी डिक को मारने के लिए उनको कोई स्ट्रेटजीज बताई गई। फेदल्ला नाम का एक व्यक्ति था जो उस टीम को बिल्कुल लीड कर रहा था और वो काफ़ी डेंजरस पर्सन था, यानी कि डेंजरस आइडेंटिटी थी उसकी, और इसीलिए उसने उसको टीम लीडर बनाया था। अब यहाँ पे वो अफ्रीका को घूम लिए, अब जापान में आ गए, काफ़ी टाइम पहले से वो यात्रा कर रहे हैं, कई दिनों के बाद अब जाके उनको जो है मोबी डिक के पास करीब उनको नज़र आ रहा है कि भाई अब शायद हम मोबी डिक के पास हैं, इतना एरिया हमने कवर किया है तो मोबी डिक यहाँ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे एहब जो है एट एनी हाउ एट लास्ट मोबी डिक को देख लेते हैं। तो जैसे ही मोबी डिक दिखती है हमारे एहब जी को, वो उसका स्टॉकिंग करते हैं, यानी कि उसके पीछे पीछे चलते हैं एंड नेक्स्ट 3 डेज तक वो स्टॉकिंग करते रहते हैं किसकी, मोबी डिक की। अब यहाँ पे आगे बताऊँ तो पहला शूट जो है सबसे पहले एहब हमारे करते हैं, कहते हैं कि ये शूट जो मैं करता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही बड़े हथियार से उन्होंने ये शूट किया था डिक को मारने के लिए, मगर वो मिस हो जाता है, यानी कि इनके साथ ही एक और बोट आ रही होती है साथ में, वो जो शूट है वो उन बोट्स के ऊपर लग जाता है। अब शूट लग जाता है बोट के ऊपर, बोट के लोग उछल के जो हैं इनके शिप में आ जाते हैं, यानी कि उन लोगों को तो कुछ नहीं होता लेकिन बोट तो तबाह हो जाती है बिल्कुल। लेकिन वो जो फर्स्ट शूट है वो मिस हो जाता है और मोबी डिक को ये पता चल जाता है कि उसको ये मारने वाले हैं। अब यहाँ पे फिर से हमारे एहब जी जो हैं सेकंड शूट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे इस बार जब सेकंड शूट के लिए उन्होंने कई सारी मेहनत करी, थोड़ा सा और अपना पावर लगाई है बहुत इम्पोर्टेंटली, लेकिन होता क्या है वो जो शूट है वो फेदल्ला के जाके लग जाता है, यानी कि वो भी मिस हो जाता है और वो फेदल्ला जो है वो शूट का शिकार हो जाते हैं और मोबी डिक की जगह वो मर जाते हैं। यहाँ पे 2 शूट अभी तक के बहुत ही भयानक थे और बहुत ही भयानक तरीके से लोगों की जान भी गई है। तो अब जब थर्ड शूट की बात आ रही है तो यहाँ पे थर्ड शूट में ये कहा जा रहा है कि जो बाकी सारे टीम मेंबर्स हैं जो भी आए हैं अब हमारे जो जहाज़ के साथ आए हैं, उन्होंने अपने हथियार डाले, उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे इस पागलपन में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे एंड वी आर लीविंग नाउ। तो ये कहते हैं, लेकिन जो भाई ऑब्वियसली द ऑनर इज एहब, तो एहब इज़ द ऑनर ऑफ द शिप, उसने मोड़ा नहीं शिप और फिर से उसने एक ट्राई बोला कि भाई साहब ये मैं लास्ट करूँगा, या तो करूँगा या तो मरूँगा। और जो ये लास्ट उसने फिर से जो ट्राई किया किसी की केयर नहीं करते हुए, क्योंकि जो सब लोग बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि शिप मोबी डिक की जो पावर है उसके सामने बहुत छोटा पड़ रहा है, यानी कि मोबी डिक बहुत ही ताकतवर पावरफुल इंटेलिजेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम इतनी आसानी से नहीं मार सकते। लेकिन फिर भी एहब जो है उसने बिना कुछ सोचे समझे फिर से थर्ड वाला शूट दे दिया और इस बार वो जो है खुद ही के शूट में ट्रैप हो गए, यानी कि वो इस बार खुद के शूट में खुद ही ट्रैप हो गए और मर गए, लटक गए, लटक के मर गए। और यहाँ पे जब मोबी डिक ने देखा कि थर्ड शूट उसको आ रहा था, आ रहा है जो हिट कोई करने वाला है, तो उसने उसी के रिटर्न में शिप को हिट कर दिया, यानी कि शिप को हिट कर दिया उसने मोबी डिक ने। और जैसे ही शिप को हिट किया शिप तो भाई लुढ़क गया, शिप क्या गया, डूबता चला गया पानी में। यहाँ पे पूरा शिप जो है पानी में डूब गया, कोई भी नहीं बचा उसमें से सिवाय इश्माइल के। इश्माइल के जीने की एक ही वजह थी जो कि वो कब्र बनाई गई थी, वो जो कारपेंटर के द्वारा वो लकड़ी से बनाई गई थी उसकी,
तो यहाँ पे उसके द्वारा वो बच गया इश्माइल, नहीं तो वो भी नहीं बचता। और यहाँ पे आगे चल के रेचल नाम के एक जहाज है, समुद्री जहाज, उसने इसकी हेल्प की थी जिससे इसको आगे मदद करी, और इसने फिर आगे स्टोरी सुनाई सबको मोबी डिक के बारे में। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, इश्माइल के बचने की वजह जो मैं एक चीज़ बताऊँ कि सब लोग मारे गए थे, कमर्शियल फेलियर है बहुत बड़ा ये। कमर्शियल यानी कि एक मछली, हम जब जा रहे हैं किसी को पकड़ने के लिए तो वेल जो है उसने किस तरह से अपनी ताकत और किस तरह से इतना ये एक डेंजरस साबित हुआ, तो ये सब चीज़ें इस नॉवल में डिस्कस की गई हैं कि जानवर, प्रकृति, नेचर कैसे इंसान से ज़्यादा हो सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द समरी एंड नाउ वी जस्ट नीड टू डिस्कस द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नॉवल। तो बेसिकली अभी मैंने जैसे कि आपको बताया मोबी डिक है, हर्मन मेलविले के द्वारा लिखी गई है, एक एपिक टेल है जो कि एक यात्रा को बता रही है। एक यात्रा क्या है, पेक्वेड शिप के कैप्टन की और उसकी है एहब की, और उस यात्रा में उसने कैसे हंट किया, किस तरह से बाकी वेल्स जो उसके कब्जे में आ गई, लेकिन सिर्फ एक ऐसी वेल जो मोबी डिक है, और मतलब स्पर्म वेल है जो बहुत बड़ी है, वाइट उसका कलर है, बड़ा सा पावरफुल है, वो कैसे उसके कब्ज़े में नहीं आ पाई, ये हम देखेंगे, ये हम देखने को मिला है। तो इस जर्नी में या जो होल स्टोरी है वो क्या है, नरेट की गई है हमारे इश्माइल के द्वारा, जो कि एक शिप सेलर है, वो जो है सेलर हैं। अब यहाँ पे इन डिटेल अगर बताऊँ तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव वे में इश्माइल के द्वारा डिस्क्राइब की गई है, जो ये नॉवल की समरी है, स्टोरी है, और वो इस अपनी पूरी यात्रा में कैसे कैसे डिफरेंट कैरेक्टर से मिलता है, ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। डिफरेंट कैरेक्टर्स जिनसे वो मिलता है, जिनसे फ्रेंडशिप होती है, और जो अलग अलग जैसे चीज़ अलग अलग पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, इवन दो आज साथ हैं, सबसे मुलाकात होती है। सो ऑल द रिचनेस ऑफ द पर्पस प्रेजेंटेशन सम हाउ मेड है एटाइजिंग बाय मेलविलेज मास्टर इन्वेंशन। अब यहाँ पे उसने एक टाइप का इन्वेंशन किया है जिसमें इंसान से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि एक नेचर कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो इश्माइल इमीडिएटली एस्टैब्लिशड अ कंफर्टेबल रैपोर्ट, मतलब उसने बहुत ही जल्दी कंफर्टेबल रैपोर्ट अपनी अलग अलग जगह पे डेवलप कर ली। एंड अनफॉरगेटेबल लाइंस ऑफ द नॉवल इज दैट कॉल मी इश्माइल एंड ही इज़ बोथ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर एंड पार्टिसिपेंट्स। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, ये एक ऑब्जर्वर भी था, ठीक है, ऑब्जर्वर हम मतलब कह सकते हैं कि भाई स्टोरी सुना रहा है, स्टोरी बना रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, इवेंट्स को, इवन देन ही इज़ पार्टिसिपेट, मतलब उसमें उसने पार्टिसिपेट भी सो किया था, वेल्स को, कई सारी वेल्स को उसने भी पकड़ा था और वो पकड़ना भी चाहता था। तो यहाँ पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है इन चीज़ों में, स्पेक्टेटर बींग अ नरेटर, येट ही इज़ मच मोर देन कन्वेंशनल वॉन्डरर विटनेस। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटनेस के रोल में प्ले कर सकता है। अब अगर बात करें तो एज अ स्कूल मास्टर, तो दोनों चीज़ों को कंपेयर भी किया गया है, एंड एज अ व्यूजर ही कम्बाइंस हिज इंटेलेक्चुअल नॉलेज विद द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू मेक हिम इन्फॉर्म्ड ऑब्जर्वर एंड कन्विंसिंग मूविंग रिपोर्टर। तो देखिए दोस्तों, ये जिसकी नॉलेज इसने ले रखी थी वो इसके आगे भी काम आई, बींग अ ऑब्जर्वर सिंपली बाय सर्वाइविंग, क्योंकि पूरे में से सिर्फ यही एक बचा था सब में से जो कि सर्वाइव किया था, और सर्वाइव करने का रीज़न इसकी नॉलेज थी। एंड ट्रांसेंड बाय ब्रॉटन हीरोइज्म ऑफ एहब, अब ये बायरोनिक हीरोइज्म था एहब का, मतलब एक टाइप का हीरोइज्म हम कह सकते हैं लेकिन बायरोनिक था, ओके। एंड यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस जो है हमारा मोबी डिक का वो इस तरह से है कि राइटर जो है कई सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इस वर्क में, यानी कि वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे समटाइम्स हम ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें कर जाते हैं एंड वी डोंट हैव इक्विपमेंट्स एंड थिंग्स टू बीट नेचर। तो जब तक हमारे पास पूरे प्रॉपर चीज़ें नहीं होंगी कमर्शियल चीज़ों में, हम उसमें नहीं कर पाएंगे, और इट कुड बी अ डेंजरस एंड इट कुड बी थिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास रीज़न होना चाहिए, एंड वी यहाँ पे अगर एक चीज़ बताऊँ, एहब के पास एक ही रीज़न था कि भाई मुझे बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। अब उसी के चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में उसने बहुत अच्छा बदला ले लिया कि नेचर ने उससे बदला ले लिया। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें रीज़नेबल होनी चाहिए,
क्योंकि हम जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो वी शुड हैव अ रीज़न एंड जेन्युइन रीज़न शुड बी देयर फॉर टू डूइंग दैट थिंग. तो ये हमारे फ्यू क्रिटिकल एनालिसिस था. तो अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करना है तो आई हैव अपलोडेड द नोट्स ऑन द ऑन माई वेबसाइट, सो यू कैन गो थ्रू दैट वेबसाइट एंड यू कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द मोबी डिक एंड कैरेक्टर एनालिसिस. सो उन वहाँ पे जाके आपको सभी तरह के नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको आगे मैं क्विज सेशन में लेके चलती हूँ. क्विज सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा है. आगे आपको क्वेश्चन जैसे दिखाई दे रहे हैं तो आपको करना क्या है, यू जस्ट नीड टू पॉज द वीडियो एंड देन जस्ट मार्क इट डाउन द आंसर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द बॉडी पार्ट हैज़ एहब लॉस्ट टू मोबी डिक. मोबी डिक ने कौन सा एहब का पार्ट लिया था, तो इजी आंसर लैग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एहब शिप, तो एहब के शिप का नाम क्या है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये आ चुका है नेट में. तो पेक्वार्ड हमारा जो ये डी आंसर है, यही इनका शिप था. देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कीप्स इश्माइल अफ्लॉट आफ्टर पेक्वार्ड सिंक्स, अब किस चीज़ ने जो है इश्माइल को बचाया डूबने से. तो वी नो दैट द कॉफिन जो कि कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, उससे हमारा जो इश्माइल है वो बच गया जो डूबने से. आगे मैं और चीज़ें बताऊँ आपको. तुम हाउ डज द पेक्वार्ड सिंक, मतलब कैसे डूबा पेक्वार्ड, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा जहाज था, ऐसे तो नहीं डूब सकता. तो क्या किया था, शी इज़ ओवरलोडेड नहीं था, स्टॉर्म नहीं आया था, स्टॉर्म से तो बच गया था, इतना जानदार था कि स्टॉर्म से बच गया था. एंड शी इज़ रैम्ड बाय अनदर शिप, किसी शिप के द्वारा टक्कर नहीं. तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है मोबी डिक के द्वारा टक्कर मारी गई थी, इन रिटर्न ऑफ दैट तब जाके ये डूब गया. ओके, तो आंसर इज़ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट इज कैटोलॉजी, कैटोलॉजी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है नेट में. ये क्या होती है आपको मैं बताऊँ, आप लोग जैसे कोई स्टडी करता है वेल्स की, स्टडी जो करता है कोई वेल्स की, तो उसे बोलते हैं कैटोलॉजी. ओके, सो जो डोंट फॉरगेट दिस लर्न थिंग, द स्टडी ऑफ वेल्स इज कैटोलॉजी. तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा, आई होप सो. दिस इज़ द वेरी फ्यू क्वीज, 5 क्वीजेज हैं. एंड आपको अगर ज़्यादा इंक्रीज करनी हो तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे. देन दिस इज़ अ लेक्चर बाय मी निशा खान. यू कैन ऑल्सो कमेंट मी वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज, एंड ऑब्वियसली यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सअप, ऑन सो मैनी सोशल मीडिया साइट्स अवेलेबल आर देयर. एंड द लेक्चर नोट्स यू वॉन्ट एंड दिस PDF इफ़ यू वॉन्ट, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी और यू कैन मेल मी, एंड देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू एंगेज विथ मी. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों.